Hey. So what is up guys, welcome to my channel. और आज हम हैं माइनक्राफ्ट में. So as you know, हमारे वर्ल्ड में बहुत सारे डिसीजेज हैं. कुछ नॉर्मली होते हैं, कुछ बैक्टीरिया से होते हैं, तो कुछ वायरसेस से होते हैं. बट उनसे बचने के लिए हमारे पास बहुत बड़े बड़े रिसर्च सेंटर है, जहाँ पे दिन रात साइंटिस्ट और डॉक्टर्स रिसर्च करते हैं ताकि उनका क्योर निकाल सके. बट माइनक्राफ्ट में ऐसा कुछ नहीं है. विलेजर्स को भी तो मेडिकल फैसिलिटीज चाहिए, राइट? सो इसलिए आज मैं बनाने वाला हूँ एक मेडिकल रिसर्च सेंटर इन माइनक्राफ्ट. सो लेट्स स्टार्ट. सो सिंस आई एम न्यू एट बिल्डिंग स्टफ इन माइनक्राफ्ट, मुझे थोड़ी प्लानिंग की जरूरत है. सो लेट्स ओपन आवर स्केचिंग सॉफ्टवेयर. सो यार, दिस इज द ब्लूप्रिंट. पता नहीं क्या बनाया मैंने. क्रीपर क्या कर रहा है इधर? और इस ब्लूप्रिंट में मैथ इक्वेशंस क्यों है? एंड व्हाट द हेल इज दैट? एनीवेज, मेरे ऑसम ब्लूप्रिंट को ध्यान में रखते हुए आई एम फर्स्ट स्टार्टिंग टू मेक द सेंट्रल हॉल. इस रिसर्च सेंटर के किसी भी पार्ट तक जाने के लिए आपको सबसे पहले इसी हॉल में आना होगा, बिकॉज बाकी सारे बिल्डिंग्स के जाने के रास्ते इसी हॉल से. अब बारी अब बाकी बिल्डिंग्स बनाने की, ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइज अकॉर्डिंग टू द रोल्स जो मैंने उनके लिए सोच रखे हैं. कीप इन माइंड कि मैं अभी कोई इंटीरियर पे काम नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि एक बार सारे रूम्स कंप्लीट हो जाए तो मैं उन पे एक साथ काम करूँगा. वेल एक्चुअली गाइस, इस रिसर्च सेंटर को बनाने का मेरा एक और पर्पस है. लगभग 2 साल पहले जब ये पैंडेमिक बस स्टार्ट ही हुआ था, तब हमारे स्कूल में एक कॉम्पिटिशन था टू मेक अ कोविड रिसर्च सेंटर इन माइनक्राफ्ट. बट उस टाइम मेरे पास सिर्फ एक हाफ ईटन पोटैटो पीसी था, जिसमें माइनक्राफ्ट की स्लाइड शो ही चलती थी बस. बट नाउ आई हैव अ बेटर पोटैटो पीसी, जिसमें माइनक्राफ्ट में डिसेंट FPS आ जाते हैं. तो इसलिए सोचा मैंने कि वाई नॉट गिव इट अ ट्राई. सो एनीवेज, बहुत हो गई बातें, अब आई विल मीट यू आफ्टर अ कंप्लीट द बिल्ड. वन इटर्निटी लेटर. सो आफ्टर लिटिल बिट ऑफ कस्टमाइजेशन, हमारा रिसर्च लैब का फाइनल बिल्ड रेडी हो गया. और हाँ, मैंने शेडर्स ऑफ कर दिए ताकि FPS ड्रॉप ना हो. तो चलिए शुरू करते हैं. सो बिल्ड के एंट्रेंस में हमें एक एंट्रेंस पॉइंट मिलता है. Who would have guessed that, right? So you press this button and go inside and you reach the main hall. इस हॉल में आप बहुत अलग अलग चीजें देख सकते हैं, बट जो मेन चीज आपको बीच में दिख रही है वो है स्टैचू. ये स्टैचू हमारे इस रिसर्च सेंटर के फाउंडर का स्टैचू है, और इनका नाम मुझे नहीं पता बाय द वे. सो एनीवेज, स्टैचू के राइट साइड में जाएंगे तो आपको दिखेंगे दो वाटर डिस्पेंसर, दो वेंडिंग मशीन और एक मैकडोनल्ड्स का आइसक्रीम मशीन, जो ऑब्वियसली काम नहीं करता, पर बाकी दोनों करते हैं. जैसे अगर आप इन वेंडिंग मशीन में जाएंगे तो आपको मिलेंगे गोल्डन एप्पल और गोल्डन कैरेट सिर्फ ऑन अ प्रेस ऑफ अ बटन. और ये है हमारे वाटर डिस्पेंसर, जिनके ऊपर पानी की जरा बर्फ लग रखा है. तो अगर आप इस बटन को दबाएंगे तो आपको मिलेगा एक वाटर बॉटल जिसमें पानी है. ऑब्वियसली आप चाहे तो इस बोतल से भी पी सकते हैं, या फिर ऊपर लगा हुआ बर्फ भी चाट सकते हैं. सो स्टैचू के लेफ्ट साइड में है हमारा ऑटोमेटिक लैब कोट डिस्पेंसर. अगर आप इस प्रेशर प्लेट पे खड़े होंगे तो आप ऑटोमेटिकली लैब कोट पहन लेंगे, जस्ट लाइक दिस. नाइस. सो जब हमने लैब कोट पहन ही लिया है तो फर्स्ट देन लेट्स चेक आउट द लैब. इस लैब के ग्राउंड फ्लोर पे आपको अलग अलग इक्विपमेंट्स देखने को मिल जाएंगे, जैसे लेजर कटिंग मशीन, माइक्रोस्कोप, हाइड्रोलिक प्रेस, सेंट्रीफ्यूज, कुछ सैंपल्स और पीछे की तरफ कुछ अलग अलग डब्बों में अलग अलग केमिकल. अलग अलग बहुत बार बोल दिया. सो हमारे लैब के फर्स्ट फ्लोर पे हमारा रिसर्च सेंटर, जहाँ पे डॉक्टर्स और साइंटिस्ट मिलकर रिसर्च करते हैं. वो मेनली रिसर्च करते हैं ऑन टॉपिक सच एज समथिंग, आई गेस. यहाँ पे इनके लिए कंप्यूटर्स है, टेबल्स है, चेयर्स है, ड्रॉर्स, छोटे छोटे कीबोर्ड, पीछे का बड़ा टीवी जहाँ पे अलग अलग न्यूज आती है, एंड मोर ड्रॉर्स. नेक्स्ट रूम. सो नेक्स्ट हम आते हैं बाथरूम पे, जो एज अ लास्ट मिनट आइडिया बनाया था मैंने, एंड इट लुक्स क्वाइट ब्यूटीफुल. बाथरूम के लेफ्ट साइड में आपको मिलेगी नहाने की जगह, जहाँ पे यहाँ पे कपड़े रखते हैं और यहाँ से पानी गिरता है शायद. और ठीक सामने है हल्के होने की जगह. और अगर आप सीधा जाएंगे तो आपको दिखेंगे बहुत सारे मिरर्स जिसमें रिफ्लेक्शन नहीं दिखती. वैसे भी किसको अपना थोपड़ा देखना है, राइट? सो दिस इज द पेशेंट्स एडमिट वार्ड, जहाँ पे पेशेंट्स एडमिट होते हैं. एंड मुझे नहीं पता मैं क्या कह रहा हूँ. सो ग्राउंड फ्लोर पे पेशेंट्स के लिए बहुत सारे बेड्स हैं, जिनके साइड में बुक शेल्स भी है ताकि पेशेंट्स को बोरियत ना हो. और फर्स्ट फ्लोर पे भी सेम टू सेम फंडा है. बाकी इस बिल्ड में कुछ है नहीं दिखाने लायक. ओ, मेन चीज तो भूल ही गया. ये हमारा सीक्रेट पैसेज, जो हमारे सीक्रेट रूम तक जाता है. इस रूम को सिर्फ वही खोल सकता जिसने ये रूम बनाया है, और किस्मत से मैंने ये रूम बनाया है. So we have to give a eye scan here and it automatically opens for us.
सो अंदर आप नोटिस करोगे कि इस रूम में कुछ नहीं बल्कि बहुत सारे पेंटिंग्स है और एक छोटा सा दरवाजा है। और उस दरवाजे के अंदर जाओगे तो आपको दिखेंगे बहुत सारे सैंपल्स के कटुए सर, और कुछ खाली बैरल्स। बट इफ यू गो अगेन इन द मेन हॉल, और अगर आप एक माइनक्राफ्ट ओजी है तो आपको पता होगा कि पेंटिंग्स आर ऑलवेज अ बिट सस। सो इफ यू स्टार्ट सर्चिंग द पेंटिंग्स फॉर अ हिडन रूम, यू फाइंड दिस आलिशान 1x2 ब्लॉक्स का एक कमरा। बट दैट्स नॉट इट। अगर आप नीचे देखेंगे तो आपको एक रेड स्टोन कॉन्ट्रैप्शन दिखेगा जो ट्रिगर करेगा हमारे सीक्रेट पैसेज के सीक्रेट डोर को। सो आपको कुछ नहीं करना, आपको बस यहाँ खड़े होके इस रेड स्टोन टॉर्च को ब्रेक करना है और इसी स्पॉट पे दोबारा लगा देना है। सो या आई डोंट रिमेम्बर हाउ आई मेड दैट। ये पैसेज लीड करता है हमारे सीक्रेट रूम तक जहाँ पे है हमारा विलेजर ट्रांसफॉर्मेशन मशीन। सो या इट इज टॉप सीक्रेट। एनीवेज लेट्स गो टू द नेक्स्ट रूम। सो नेक्स्ट हम आते हैं ऑडिटोरियम पे। ये रूम मैंने इसलिए बनाया ताकि अगर कोई बड़ा साइंटिस्ट या रिसर्चर हमारे लैब में आए और उनको अपनी फाइंडिंग्स दिखानी हो तो इस ऑडिटोरियम में वो आराम से अपनी फाइंडिंग्स सब रिसर्चर्स को आराम से दिखा पाएंगे। ये आराम का मामला है। इफ यू आर द गेस्ट और द प्रेजेंटर यू गो स्ट्रेट फ्रॉम हेयर टू द स्टेज, बट इफ यू आर नॉट द प्रेजेंटर विच यू आर नॉट देन यू गो फ्रॉम द साइड। ये रास्ता आपको सीधा आपके बैठने की जगह तक ले जाएगा। सो ये है हमारे बैठने की जगह जहाँ पे नीचे ग्रीन कलर्स के कारपेट भी लगा रखे हैं। सिटिंग डेक के ठीक पीछे एक डोर है जो हमारे कंट्रोल रूम तक जाता है। इस रूम से हम सामने वाली स्क्रीन पे कोई भी वीडियो प्रोजेक्ट कर सकते हैं, जस्ट लाइक अ थिएटर। सो ऑडिटोरियम में लेक्चर सुनने के बाद लोगों को ऑब्वियसली भूख तो लगनी है, इसलिए मैंने एक कैंटीन भी बनाया। सो यू कैन एंटर इट आइदर फ्रॉम हेयर और हेयर। यहाँ पे बहुत सारी बैठने की सीट है। अगर आपको मिड में बैठना है तो मिड में बैठिए, अगर आपको विंडो साइड में बैठना है तो विंडो साइड बैठिए, और अगर आपको बाहर बैठने का मन है तो बाहर बैठिए। मैं क्या बोले जा रहा हूँ। अब जो खाना बनता है इस कैंटीन में वो बनता है यहाँ पे। दीज आर सम ग्रिल्स एंड दीज आर सम स्मोकर्स। और यह वेंटिलेशन का भी अच्छा सिस्टम कर रखा है, और साइड में रखे हुए बैरल्स में खानों के लिए भर भर के आइटम्स हैं। मतलब इतना सारा आइटम्स, इतने सारे चिकन्स कौन खाएगा भाई। और लास्ट वाले बैलेट में रखा है हमने कुछ रिसोर्सेज जिससे खाना पकता रहे। खाने को जगह को डेकोरेट करने के लिए हमने दीवारों पे अच्छी अच्छी पेंटिंग भी लगा रखी है। और ये हमारा कैश काउंटर, यहाँ पे हमारा कैशियर खड़ा होके कैश रजिस्टर करता है। सो गाइस दैट्स इट इन द रेस्टोरेंट। अब बारी हमारे लास्ट बिल्ड की। सो गाइस ये वाला जो रूम है वो मेरा मोस्ट फेवरेट रूम है। और इस रूम में जाने से पहले हमें सबसे पहले शेडर्स ऑन करने पड़ेंगे। ये रूम शेडर्स ऑन करने के बाद बहुत ही अच्छा दिखता है। लुक एट इट। यहाँ पे हम मेडिसिनल प्लांट्स ग्रो करते हैं। अरे क्या बीच में आ रहा है यार ये, रुक जा बताता हूँ। Meanwhile, so yeah guys, vines क्लियर होने के बाद अब ये और भी क्लियर दिखाई दे रहा है। यहाँ में बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स हैं जिन्हें पे हमारे डॉक्टर्स और साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं, बिकॉज वी बिलीव मोर इन आयुर्वेदा। A few moments later. So guys, moral of the story is potato PC users को कभी shaders नहीं use करने चाहिए। Anyways, आपको मेरा build कैसा लगा ये comment में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरी video पसंद आई तो please give it a like and share। और आपको अगर मेरा channel पसंद आया तो please subscribe to my channel। So that's it for this video and I will see you in another one।